नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ढेर सारी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका गाइड, आपका मित्र अंकित बंसल आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट मित्रा वन डे एग्जाम के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ, उस कड़ी में आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक खाद्य मुद्रा स्फीति। क्या है खाद्य मुद्रा स्फीति, क्या है मुद्रा स्फीति, क्यों ये टॉपिक चर्चा का विषय है, क्या महत्वता है इसकी, इन सब चीजों के बारे में आज की क्लास में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो के साथ बने रहें, चलिए स्टार्ट करते हैं खाद्य मुद्रा स्फीति। बात में राहत की कर रहा हूं, तो क्या राहत मिली है, उन चर्चाओं को भी मैं आपके साथ करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हालिया संदर्भ की। हालिया संदर्भ को बताने से पहले मैं आपके साथ एक बात के बारे में चर्चा कर लेना चाहता हूं कि मुद्रा स्फीति क्या है। क्या है मुद्रा स्फीति? मुद्रा स्फीति क्या है दोस्तों, पहले हम इस बात को चर्चा कर लेते हैं। मुद्रा स्फीति, इसको अगर अंग्रेजी भाषा में बात करूं तो इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इन्फ्लेशन। मुद्रा स्फीति को अगर मैं एक लाइन में बात करूं तो किसी वस्तु की कीमत में निश्चित यानी कि निश्चित रूप से बढ़ी हुई दर, यानी कि इसको अगर एक शब्द दूं तो मुद्रा स्फीति है महंगाई, यानी कि निश्चित रूप से अगर कीमत बढ़ जाती है किसी वस्तु की तो हम उसको क्या कहते हैं, मुद्रा स्फीति। तो मुद्रा स्फीति में क्या होता है, वस्तु की कीमतों में वृद्धि का होना। अब ये वृद्धि के कारण, इस वृद्धि के कई सारे कारण हो सकते हैं। वृद्धि के कारण, ये कई सारे कारण कैसे हो सकते हैं, या तो सोसाइटी में उस वस्तु की डिमांड बढ़ गई हो, यानी कि मांग जनित, यही कहूं कि मांग आधिक्य, यानी कि मांग में बढ़ोतरी आई, या उत्पादन में कमी हुई हो। यही दो महत्वपूर्ण कारण होते हैं कि या तो मांग बढ़ गई हो या उत्पादन कम हुआ हो, तो क्या हो जाता है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। इसको इस तरीके से समझे कि मार्केट में एक एसी कंपनी निर्माता है और वो प्रतिवर्ष 100 एसी बनाता है। वो 100 एसी इसलिए बनाता है दोस्तों क्योंकि उसकी जो डिमांड है, जो मांग है, वो कितने एसी की है, 80 एसी। अभी अचानक से क्या हुआ कि डिमांड हो गई 120 एसी की, नई डिमांड क्या हो गई, 120 एसी, यानी कि एक एसी का कीमत 50,000 है। अब 120 लोगों की क्षमता ऐसी है कि वो 50,000 रुपया खर्च कर सकते हैं एसी के लिए। पहले 80 लोगों की क्षमता थी, कितनी बन रही है, 100। डिमांड कितने की आ गई, 120 की आ गई। अब 20 की पूर्ति इंस्टेंट तो होने से रही, तो क्या होगा, अब जो एसी की कीमत क्या थी, 50,000 थी, अब उस एसी की कीमत बढ़ाकर कर दी 75,000, 75 के, यानी कि एक ऐसी कीमत जिससे कि ये जो 120 लोग डिमांड में आए हैं वो घटकर कितने हो जाए, फिर से 100 के अंदर चले जाए। तो जो एसी 50 में मिल पा रही थी वो कितने मिल रही है, 75 में मिल रही है, ठीक है। और यही कीमत अगर निरंतर रूप से बनी रहे, यानी कि वो वृद्धि निश्चित हो जाए, तो वो मुद्रा स्फीति का रूप ले ले, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो मांग जनित जो मुद्रा स्फीति होती है वो किसी भी देश के लिए अच्छी हो, ठीक है, डिमांड अच्छी आ रही है तो उत्पादन भी बढ़ेगा, बात समझ में आ रही है। तो उत्पादन में कमी जिसकी वजह से ये डिमांड बढ़ी या डिमांड अचानक से बढ़ गई है तो मुद्रा स्फीति पैदा होती है, महंगाई का कारण बनती है। तो उम्मीद करता हूँ कि मुद्रा स्फीति आपकी समझ में आई। अब इस बात को हम खाद्य से जोड़कर देखते हैं। तो खाद्य मुद्रा स्फीति यानी कि खाने की संबंधित चीजें, जो हम बेसिक चीजें लेते हैं,
तो वो खाद्य मुद्रा स्फीति है जो व्यक्ति के खाने के काम आती है, उनकी कीमतों में वृद्धि। तो नवंबर 2023 से जून 2024 के दौरान लगातार 8 महीनों तक निरंतर रूप से आई ना खुदरा खाद्य मुद्रा स्फीति 8% से ऊपर बना रहा। ये प्रश्न क्यों पैदा हुआ? क्योंकि लगातार 8 माह से ये मुद्रा स्फीति कितना बना रहा? 8% से ऊपर। लेकिन हालांकि थोड़ी सी राहत की खबर रही, जुलाई 2024 में आधिकारिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खाद्य मूल्य सूचकांक जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसका आधार वर्ष 2020 है। क्या है आधार वर्ष? 2020। 2020 की कीमतों से तय करता है कि कीमतें कितनी बढ़ी हैं और कितनी कम हुई है। ठीक है, तो आधार वर्ष 2020 इसको हम किससे जोड़ रहे हैं? खाद्य से। तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक सी कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो 8% था वो घटकर कितना हो गया? 5.4, जबकि या जून में कितना था? 9.4। ठीक है, ये जून में कितना था? जून में 9.4 तक चला गया था, जो घटकर अब कितना आ गया है? 5.4% रहा। तो ये राहत की सांस है। खाद्य मुद्रा स्फीति में तेज गिरावट के कारण क्या है? क्या ये वास्तविक है या स्थिति भ्रम पैदा करने वाली है? एक्चुअल में ये स्थिति भ्रम पैदा करने वाली है। क्यों? क्योंकि जुलाई 2023 में ये 11.5% की उच्च आधार मुद्रा स्फीति के कारण हुआ है। यानी कि हमने किसको आधार माना था यहाँ पर? 2023 की 11.5%, उसके कंपैरिजन में आपने इसको निकाल कर दिया, तो ये भ्रम पैदा करने वाले आंकड़े हैं। अगर 2020 से आप तुलना करते तो ये आंकड़े बड़े हुए दिखाई दे, यानी कि अभी भी खाद्य मुद्रा स्फीति बनी हुई है। अभी हमने क्या किया? भ्रम पैदा करने वाले। क्यों? क्योंकि जुलाई 2023 में 11.5% की उच्च आधार मुद्रा स्फीति के कारण हुआ है। ठीक है, अभी खाद्य मुद्रा स्फीति से डर क्या है? वर्तमान में खाद्य मुद्रा स्फीति अर्थव्यवस्था के डर का प्रमुख कारण है, क्योंकि लोगों की आय का बहुत बड़ा हिस्सा इस पर खर्चा हो जाता है। क्योंकि भाई लोगों को खाने के लिए चीजें चाहिए, आप उनको तो लेवरेज लाइफ को आप एक बार छोड़ सकते हो, लेकिन क्या आप खाना खाना छोड़ दोगे? आप सब्जी खरीदना छोड़ दोगे? आपको ये चीजें तो पूरी करनी पड़ेंगी। तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा किस पर खर्च कर रहे हैं लोग? खाद्य वस्तुओं पर खर्च कर रहे हैं, और लोग अन्य चीजों पर ज्यादा व्यय नहीं कर पा रहे हैं। तो अन्य चीजों पर व्यय नहीं करेंगे तो और सेक्टर बर्बाद होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये चिंता का विषय इसलिए है। स्थिति को देखते हुए RBI ने भी अपने नीतिगत ब्याज दरों में कटौती करने से बचा, रेपो रेट को 6.5% पर ही स्थिर रखा है। अब इस बात को भी समझिए कि ये बात क्या है। ये बात ये है कि RBI नीतिगत ब्याज दर कटौती क्यों कर रहा है। RBI क्या करता है? RBI मॉनेटरी कंट्रोल पॉलिसी चलाता है, यानी मौद्रिक नीति है RBI के पास। RBI RR RRR CLR SLR ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटों के माध्यम से मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करता है। जैसे कि उन्होंने कहा रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट आरबीआई क्या करती है? रेपो रेट पर अल्प अवधि के लिए यानी कम समय के लिए बैंकों को ऋण उपलब्ध करता है और जिस पर ब्याज लेता है। ठीक है, अब बैंकों को क्या करता है? ये बैंकों को RR के तहत ऋण उपलब्ध कराता है। अब बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है RR के तहत, रेपो रेट के तहत, तो ऋण उपलब्ध कराता है बैंकों को। अगर इस रेट को कम कर दिया जाता तो बैंक ज्यादा ऋण लेते, बैंक ज्यादा ऋण लेता तो बैंक ज्यादा लोन बांटता, ज्यादा लोन बांटा जाता कम ब्याज दरों पर तो लोगों के पास पैसा अधिक होता। तो अभी क्या है, वो नीतिगत ब्याज दरों में कटौती कर रहा है, क्योंकि इससे बाजार में मुद्रा प्रवाह बढ़ेगा और इससे महंगाई और बढ़ सकती है। यानी कि क्या होगा, अगर लोगों तक अधिक पैसा पहुंच गया तो मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाएगा, पैसा अधिक आ जाएगा, तो इससे और महंगाई बढ़ जाएगी, और अगर महंगाई बढ़ गई तो कहीं स्थिति हाथ से ना निकल जाए। इसलिए RBI ने रेपो रेट को अभी 6.5% पर ही स्थिर रखा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं? रेपो रेट से समझ रहे हैं? मैं फिर समझाता हूँ। रेपो रेट क्या है? ऋण है जो कौन सी अवधि के लिए है? अल्प अवधि के लिए है, कम समय के लिए, जिसमें क्या होता है, RBI बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है, RBI बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है और उस पर ब्याज।
तो इसको 6.5 बनाया हुआ, इसको कटौती नहीं की। अगर इसमें कटौती कर देते तो लोगों तक अधिक पैसा पहुंचता और ये महंगाई का कारण बन सकता। ये बात समझ में आ रही है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। क्योंकि औसत भारतीयों की औसत खपत टोकरी में एक बड़ा हिस्सा खाद्य पदार्थों की होती है, यानी कि उनकी जो टोकरी है, फूड बास्केट है, उसमें ज्यादातर हिस्सा किसका है, खाद्य पदार्थों का। ऐसे में अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करती है, लेकिन निकट भविष्य में ऐसा संभव है कि लोगों को उच्च खाद्य मुद्रा स्फीति से राहत मिले। अब हम इस बात को क्यों कह रहे हैं, आरबीआई ने इस बात को क्यों सोचा कि ये राहत शायद ऑटोमेटिक लोगों को मिल जाएगी, तो लोगों के पास पैसा होगा और पैसा होगा तो लोग अन्य चीजों पर भी खर्च कर पाएंगे, ये ज्यादा समय के लिए नहीं है, ऐसा आरबीआई का मानना है। अब वो मानना क्यों है, हम उन पर चर्चा करते हैं। इसके दो कारण है। पहला कारण क्या है कि जो मानसून है वो आसाम अच्छी मात्रा में मानसून हुआ, दक्षिण पश्चिमी मानसून निर्धारित समय से 2 दिन पूर्व ही केरल के तट पर आ गया। हालांकि जून में वर्षा सामान्य से 1% कम हुई, लेकिन वो समय से पूर्व आया। इस दौरान दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, विदर्भ को छोड़कर, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान को छोड़कर हर जगह कम वर्षा हुई। कब? जून। ऐसा होने का प्रमुख कारण एल नीनो का प्रभाव था, जो मई 2024 तक बना, ठीक है। जुलाई में सामान्य से 9% अधिक वर्षा, जिसका प्रमुख कारण एल नीनो का प्रभावहीन होना। एल नीनो वापस लौटा तो वो प्रभावहीन हो गया, तो वर्षा अधिक। 15 अगस्त तक इस महीने में सामान्य से 15.4% अधिक वर्षा होगी, तो मानसून जो है ना वो आशा लेकर आया है, वर्षा अधिक हो रही है, जिससे इस मानसून समग्र रूप से 4.8% ज्यादा वर्षा हो चुकी है। इस बार अगर होलफोल देखा जाए तो अन्य सालों की अपेक्षा 4.8% अधिक वर्षा हो चुकी है। इस वर्षा का लाभ क्या है दोस्तों, वर्षा में कभी मुख्यतः पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, जहां किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। वर्षा में कमी कहां पर हुई, कमी मुख्यतः पूर्वी और उत्तर पश्चिम में, लेकिन यहां पर लोगों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो ये विचार के लिए प्रश्न नहीं है। मानसून में खरीफ की फसल का विस्तार होता है, सामान्यतः अच्छी मानसून ने इस वर्ष अधिकांश खरीफ फसल के रकबे को विस्तार किया है। क्या किया, देखो खरीफ में चावल, मक्का, गन्ना, अरहर, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली जैसी फसलों के बुवाई क्षेत्र में सामान्य से 2023 के बुवाई क्षेत्र से वृद्धि दर्ज की गई। जो 2023 में बुवाई हुई उससे अधिक बुवाई हुई, क्यों हुई, क्योंकि पर्याप्त पानी था। किसान के पास ज्यादा बुवाई करता है, जब पानी अधिक होगा किसान अधिक बुवाई करेगा और वे उन फसलों की बुवाई करते हैं जिनकी कीमतें बेहतर एवं सुनिश्चित। तो अधिक वर्षा ने, समय पर वर्षा ने क्या किया, किसान को अधिक फसल बुवाई के लिए प्रेरित, ठीक है। अगला क्या है, आशा क्या है, देखिए अरहर 10,500 से 11,000 प्रति क्विंटल एवं मक्का 2600 से 2700 प्रति क्विंटल बिक रहा, ये मार्केट की रेट है। लेकिन इसका एमएसपी क्या है, अरहर का 7,550 और अरहर और मक्का का 2,225, ये काफी अधिक है, जिससे किसानों की फसलों की बुवाई क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी किसान प्रोत्साहन में आया कि मार्केट में इसकी कीमत अच्छी मिल रही है, तो किसान अधिक पैदा कर रहा है, तो पैदावार अधिक होगी तो डिमांड खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाए। इसी प्रकार अन्य दालों एवं अनाजों की बुवाई क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। अनाज दाल अधिक बोया जा रहा है तो अधिक पैदा होगा, और अधिक पैदा होगा तो खुद ब खुद इसकी क्या होगा, जब डिमांड से अधिक उत्पादन होगा तो कीमत खुद ब खुद नियंत्रित हो जाएगी। ऐसे में संभव है कि खरीफ फसलों की कटाई के बाद उच्च खाद्य मुद्रा स्फीति में गिरावट आए। मैंने बताया क्यों, क्योंकि जब उत्पादन अधिक होगा तो मांग खुद ब खुद नियंत्रित हो जाएगी और कीमतें नियंत्रण में आ जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है बेटा, वो महत्वपूर्ण कारण है कम वैश्विक खाद्य कीमत, ये भी बड़ी आशा लेकर आई है। वैश्विक स्तर पर खाद्य की कीमतों में बहुत तेजी से कमी हुई, वैश्विक स्तर पर निम्न खाद्य मुद्रा स्फीति दूसरा कारण है जो भारत में उच्च मुद्रा स्फीति को नियंत्रित कर सकता है। सरकार ने इसीलिए, आरबीआई ने इसीलिए जो रेपो रेट है उसको नियंत्रित किया हुआ है, उसको बढ़ाया घटाया नहीं। दिसंबर 2022 से वैश्विक खाद्य मुद्रा स्फीति में गिरावट के दौर। अब देखिए गिरावट कितनी हुई, विश्व स्तर पर खाद्य मुद्रा स्फीति में कितनी गिरावट हुई, देखिए यूनाइटेड नेशन के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का खाद्य मूल्य सूचकांक जुलाई 2023 में सामान्य से 3.1% कम रहा, तो सामान्य रहता ना उससे भी 3.1% कम। देखिए जब रशिया वर्सेस यूक्रेन का मार्च 2022 से युद्ध स्टार्ट हुआ, वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक 24.7% और इसमें गिरावट देखी, 24.7% की गिरावट हुई।
तो हमने एक बहुत बड़ी गिरावट इसमें देखी। एक तरफ वैश्विक खाद्य कीमतों में गिरावट आई, वहीं दूसरी तरफ घरेलू खाद्य मुद्रा स्फीति बढ़ती जा रही है। ऐसे में भारत के लिए आयात एक व्यवहार्य कदम हो सकता है। कैसे? अब देख रहे हैं कि घर में कीमतें अधिक हैं लेकिन बाहर बहुत कीमतें कम हो गई हैं। अगर बाहर से लोग हमारा देश आयात करता है तो भी हम मुद्रा स्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। देख बताता हूँ कैसे। वर्तमान में रूसी गेहूं लगभग 220 रुपए डॉलर प्रति टन प्रियोन बोर्ड यानी कि मूल बंदरगाह से पर निर्यात किया जा रहा है। मूल बंदरगाह से इसका कीमत कितना आ रहा है? 220। और भारत आने से पूर्व सभी प्रकार के शुल्क अगर जोड़ दिए जाएं तो इसकी कीमत 265 से 270 टन डॉलर प्रति टन हो जाए, अर्थात इसकी भारतीय कीमत होगी 2225 से 2270 रुपये, यानी कि 2225 से 2270 रुपये प्रति क्विंटल होगा। जबकि वर्तमान में हमारे यहाँ गेहूं की कीमत 2275 है और इस MSP से भी कम होगा, जबकि बिक्री जो हो रही है मार्केट रेट वो इससे ज्यादा है। तो एक लाभ ये होगा अगर हम आयात करते हैं तो गेहूं की कीमतों में कमी होगी। ये गेहूं मैंने एक उदाहरण के तौर पर लिया है। भारत में पिछले 2600 रुपये प्रति क्विंटल से काफी कम है। भारत में कितने बिक रहा है? 2600 रुपये प्रति क्विंटल, इससे तो बहुत कम है। तो हम कम कीमत पर लोगों को अनाज उपलब्ध करा सकते हैं। तो खाद्य मुद्रा स्फीति को घरेलू स्तर पर नियंत्रित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वैश्विक स्तर पर खाद्य मुद्रा स्फीति आवश्यकता से अधिक नियंत्रण में आ गई है। अगली बात, कीमतों में गिरावट का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि मार्च मई 2022 में रूसी गेहूं का निर्यात मूल्य प्रियोन 400 डॉलर था। 400 डॉलर से कहां आ गया? 400 डॉलर से भैया घटकर कितना आ गया? अब देख 265 से 270। अब सोचिए कितनी तेजी से कीमतें गिरी होंगी। ठीक है, ये सकारात्मकता है। दूसरी बात सकारात्मकता क्या है? सरकारी गोदाम में 1 अगस्त तक 268.12 लाख टन गेहूं था, जो 2022 के मुकाबले 2022 में कितना था? 266.4 लाख टन, एवं 2008 में 243.8 लाख टन। ठीक है, इसका तीसरा सबसे कम है, यानी कि पहले की अपेक्षा ये बड़ा है, पहले की अपेक्षा ये बड़ा है, तो ये सकारात्मकता है। लेकिन इस दौरान चावल का स्टॉक 454.8 लाख टन का है, जो अब तक का सबसे अधिक है। हमने चावल का स्टॉक अब तक का सबसे अधिक पहुंचा। बेहतर मानसून के बदौलत बंपर खरीफ उत्पादन की संभावना के बीच गैर बासमती चावल एवं चीनी पर लगे प्रतिबंध को सरकार को हटा देना चाहिए, जिससे क्या होगा? निर्यात के द्वारा किसानों को लाभ प्राप्त होगा। तो आप क्योंकि आप देख रहे हैं कि अच्छी खरीफ की फसल हो रही है, तो ऐसे समय पर आप इस प्रतिबंध को हटा दें जिससे कि किसान और अच्छे तरीके से इसका निर्यात कर पाएगा और मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण आ सकता है। अभी अब तक बारिश ने भारत के प्रमुख जलाशयों को, देखिए कितनी बारिश हुई है, प्रमुख जलाशयों को 65% तक भर दिया, जो पिछले 10 वर्षों के औसत 54% से अधिक। सोचिए कितनी अधिक बारिश हुई। साथ ही भू जल भी रिचार्ज हुआ है। साथ ही लालिना भारत के लिए सकारात्मकता, लालिना का भी प्रभाव संभव है, जो उपरोक्त दोनों सम्मिलित रूपों से रबी फसल के लिए भी बेहतर। तो कंक्लूड करते हैं, उपरोक्त आशावादी तथ्यों की पूर्ति हो जाने की स्थिति में भारत में उच्च खाद्य मुद्रा स्फीति खत्म होने की संभावना है, लेकिन खरीफ फसल की कटाई में न्यूनतम 30 से 40 दिन शेष हैं। ऐसे में तब तक खाद्य मुद्रा स्फीति की अनिश्चितता जारी रह सकती है, यानी कि 30-40 दिन तक हमें और खाद्य मुद्रा स्फीति की अनिश्चितता को झेलना पड़ सकता है। तो हमने आज की क्लास के माध्यम से जाना कि मुद्रा स्फीति क्या है। निश्चित रूप से बढ़ी हुई कीमतें किसी भी वस्तु की मुद्रा स्फीति है। प्रश्न विचार का इसलिए रहा क्योंकि लगातार 8 माह से खाद्य मुद्रा स्फीति अपने उच्च स्तर पर बनी हुई है। जुलाई माह में थोड़ा सा कमी हुई, लेकिन वो कमी वास्तविक रूप से डाटा को नहीं दिखाती, लेकिन अच्छे मानसून के परिणाम स्वरूप उम्मीद है कि अगले 30-40 दिनों में हमें खाद्य मुद्रा स्फीति से छुटकारा प्राप्त हो सके। तो ये बढ़ी हुई सब्जियों की कीमत से आपको नियंत्रण मिल सके। तो दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात इस क्लास के साथ रही कि आपने देखा कि वैश्विक स्तर पर खाद्य मुद्रा स्फीति बहुत अधिक रूप से कम हो गई है, तो आप आयात कर भी इसको नियंत्रित कर सकते हैं। आवश्यकता नहीं है कि आपको रेपो रेट जैसी चीज़ों को कम करना पड़े। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। इकोनॉमी से जुड़ी हुई बातें थी, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया।
बाकी मैं आर आर ट्रिपल आर एस एल आर की बात इकोनॉमी में कर पाता, यहाँ पर समय कम काम ज्यादा था, मुझे खाद्य मुद्रा स्फीति के बारे में चर्चा करनी थी। तो आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।